प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों में दो बड़े अभियान हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। गंदगी का नाम और निशान नहीं रहने देंगे। दिल्ली की अनीता और उनके पति शलभ पहले से ही इस अनोखे अभियान से जुड़े हुए हैं। वो प्लास्टिक के कचरे का रिसाइकलिंग कर एक्सपोर्ट क्वालिटी के सुंदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनकी ये पहल न केवल स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया योजना को प्रोत्साहित करती है, बल्कि हजारों कचरा बीनने वालों को रोजगार का अवसर देती है, जिससे वो अपनी जिंदगी को अच्छा बना सके। भोपाल में जन्मी और दिल्ली में परवरिश प्राप्त की एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी अनीता आहूजा ने अपना सारा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। अपने आसपास कचरा बीनने वालों की दुर्दशा देख उन्हें आइडिया आया कि उनके इस व्यवसाय को उनकी ताकत बनाकर वो उन्हें रोजगार का अवसर दे सकती हैं, समाज में उनकी स्थिति मजबूत कर सकती हैं। उन्होंने एक उद्योग की शुरुआत की, जिसके तहत कूड़ा उठाने वालों से प्लास्टिक कचरा को एकत्रित कर उससे विश्व स्तरीय हैंडबैग प्रोडक्ट का इजाद किया। अनीता ने अपने जैसी सोच रखने वाले दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर अपने इलाकों में कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक एनजीओ कंजर्व इंडिया की शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट के तहत सारे इलाके से कचरा एकत्र करवाना शुरू किया। चलिए जानते हैं कि कैसे अनीता ने अपने काम की शुरुआत की। इस काम की शुरुआत में ही अनीता को एहसास हुआ कि अकेले इस तरह के काम को बड़े पैमाने पर करना मुश्किल है, इसलिए अनीता ने दूसरी कॉलोनी के लोगों का साथ मांगा। उनकी ये शुरुआत पैसा बनाने के लिए बिल्कुल नहीं थी, वो समाज सुधार के कामों में लगी थी। उनकी एनजीओ कंजर्व इंडिया ने तकरीबन 3000 लोगों के साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की शुरुआत की। ये एसोसिएशन 2002 में एक फुल टाइम प्रतिबद्धता वाली संस्था बनी, जिसके पास खुद के अधिकार थे। लगभग 4 साल अनीता ने कचरा बीनने वालों के साथ काम किया और ये महसूस किया कि उनका जीवन स्तर गरीबी स्तर से नीचे है। शुरुआत से उन्होंने बुनाई का काम किया और कारपेट्स बनाए, परंतु ये उत्पाद देखने में बहुत ही साधारण लगते थे, मेहनत ज्यादा थी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक भी नहीं थे और उन्हें बेचना कठिन हो रहा था। तब उन्होंने प्लास्टिक बैग विकसित करने का निर्णय लिया और ये काम अच्छा चल निकला। उनके पति शलभ ने मशीन के द्वारा बड़े स्तर पर गड़े हुए प्लास्टिक शीट्स तैयार करवाए, स्वचालित मशीन के द्वारा उसमें कलाकृति बनवाते और फिर उन्हें प्रदर्शनी में लगाते। 2003 में कंजर्व इंडिया ने प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में हिस्सा लिया। टेक्सटाइल मंत्रालय ने उन्हें एक छोटा सा बूथ दिया और उसमें 30 लाख का उन्हें ऑर्डर मिला। अनीता और शलभ ने ये तय किया कि वो कंपनी का स्वामित्व लेंगे, क्योंकि खरीदार सीधे एनजीओ से ऑर्डर लेने के लिए इच्छुक नहीं थे। प्लास्टिक वेस्ट के लिए कूड़ा बीनने वालों को घर घर जाकर कूड़ा लेना पड़ता था, परंतु वो अनुपात में कम ही रहता था और फिर उत्पाद बनाने के लिए विशेष रंग वाले प्लास्टिक की जरूरत होती थी। इसके लिए उन्होंने कबाड़ वालों से संपर्क किया और सीधे इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक कचरा मंगाने लगे। धीरे धीरे कंजर्व इंडिया एक ब्रांड बन गया। आज कंजर्व इंडिया का टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुंच गया। भीतर के कलाकार से प्रेरणा लेकर अनीता ने ऐसा कर दिखाया जो पहले कभी सोचा नहीं गया था। आज कंजर्व इंडिया के हैंडबैग पूरे विश्व में खरीदे जाते हैं। सच में ये व्यापार और व्यापारी की सोच से कुछ अधिक ही है। ये वो आत्मा की अभिव्यक्ति है जो ये सोच रखती है कि दुनिया खूबसूरत बने, गरीबी से कोई भी हार ना जाए, सबको समान अवसर मिले। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।